शिनोर में किसानों की फसल को वायरस लग जाने की वजह से सबकी फसल काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है। ऐसे में इन सभी किसानों को मुआवजा देने की मांग लेकर आज आम आदमी पार्टी की ओर से मामलतदार कचहरी पर मामलतदार को आवेदन पत्र दिया गया। मथुरा जिला के कई तालुका में कपास की फसल में वायरस लग जाने की वजह से सारी फसल को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से किसानों की स्थिति इस वक्त खस्ता है। ऐसे सरकार को किसानों को सहायता देनी चाहिए, इस मामले में बार बार सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज शिनोर मामलतदार कचहरी पर मैडम वीवी वाला को आम आदमी पार्टी की ओर से कोरोना गाइडलाइन का पालन कर आवेदन पत्र दिया गया और जल्द से जल्द किसानों की समस्या सुलझाकर उन्हें मुआवजा देने की और उनकी तकलीफों को दूर करने की मांग की गई। ये रिपोर्ट शिनोर से हमारे संवाददाता विरल पटेल ने भेजी है। भ्रष्टाचार दूर करो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अने भ्रष्टाचार मुक्त गुजरातना अभियान अंतर्गत जयरे आम आदमी पार्टी की स्थापना थी तरह हमें जनता तमाम मुद्दाओं आवरी लेवा तैयारी करी है। तरह आज खेडूतों मुद्दा मैं मामलतदार साहेब श्रीने आवेदन पत्र आप खेडूतों ने गया वर्षे कोरोना महामारी में जबरदस्त नुकसान थे साहेब, तो आ वर्षे खेडूतों ने कपास में एटलू नुकसान है, कपास में नुकसान है, जोड़े जोड़े वरसाद एटलो ओछो है, दुष्काळ जेवी परिस्थिति है, एटले तमामे तमाम खेडूतों ने आनु वर्तर चूकवामां आवे, आखा गुजरातना खेडूतों ने वर्तर चूकवामां आवे साहेब। अने जो तमे बीजा देशों ने सहाय करी शकता होय तो तमारा खेडूतो देवाना डूंगर नीचे दबाई चूक्या छे, तो तमारा खेडूतोने उचालवा माटे तमामे तमाम खेडूतोनो देव पण माफ करवामां आवे, आ मारो एक मोटा मोटो मुद्दो छे। अने खेडूतोनी कमर तूटी चूकी छे अने खेडूतोनी आत्महत्या थई रही छे, हमणा धोराजीमां एक आत्महत्या थई, जाम जोधपुरमां एक आत्महत्या थई छे, आवी रीते આત્મહત્યાઓનો સિલસિલો વધશે તો આ ખેડૂતો પછી ઓછા થતા થશે, ઓછા થશે તો પછી એ લોકો અનાજ કઈ રીતે પકવશે અને લોકો ખાશે કઈ રીતે, આ માટે સ્પેશિયલ ખેડૂતોને એક અલગથી પેકેજ આપવામાં આવે અને દેવ માફ કરવામાં આવે। અને જોડે જોડે અમારો બીજો એક પ્રશ્ન એવો છે, રેલવેમાં જે નોકરી કરતા રેલ ધારકો છે, જે નોકરી કરે છે એમને રેલવેમાં બેસવા દેવામાં આવતા નથી, પાસ ધારકોને, પાસ હોલ્ડરોને, તો એ રેલવેમાં પાસ હોલ્ડરોને બેસવા દેવામાં આવે અને એમની જે લગતી કરજણ સિનોર સુરતથી લઈને અમદાવાદ સુધીમાં તમામે તમામ રેલવે ચાલુ કરવામાં આવે, સામાન્ય પગારમાં એ લોકો પોતાનું જીવન ગુજરાન કરી રહ્યા છે, તો એ લોકોને સામાન્ય પગારમાં પેટ્રોલ આટલી મોંઘવારીમાં પોસાય એમ છે નથી, તો એમના લગતી જે રેલવે છે એ રેલવે ચાલુ કરવામાં આવે એવી અમારી આપ સમક્ષ માંગ છે। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।